आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह से यूज कर सकते हो स्वान न्यूट्रिशन का आर्जिनाइन, क्योंकि यह आता है कैप्सूल के फॉर्म में। यह आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉप पे या स्वान न्यूट्रिशन का ऑफिशियल ऑनलाइन शॉप पे भी मिल जाएगा, और मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। तो आर्जिनाइन होता क्या है, यह हमारे बॉडी में काम कैसे करते हैं, किसको यूज़ करना चाहिए और किसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या साइड इफेक्ट्स आपको हो सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे लेकिन शॉर्ट में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आप ही फायदे में रहोगे। तो आर्जिनाइन एक कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड है। कंडीशनली एसेंशियल इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे बॉडी खुद इसको तैयार कर सकते हैं, बट कुछ खास कंडीशन में, जैसे कि प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन या हाइपर एमोनियमा में आर्जिनाइन फूड से हमें लेना पड़ता है, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे बॉडी को ज़्यादा मात्रा में आर्जिनाइन की ज़रूरत पड़ती है। आर्जिनाइन को ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड भी कहा गया है, क्योंकि जब बॉडी को एनर्जी का नीड होते है, बॉडी इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते है। आर्जिनाइन नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, और आप लोग तो जानते हो नाइट्रिक ऑक्साइड एक वैसो डायलेटर है, मतलब ये आपके ब्लड वेसल को रिलैक्स कर देता है एंड उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करा देता है, जिससे ब्लड फ्लो होने में हेल्प मिलते है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि ब्लड न्यूट्रिएंट्स को सारे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करते हैं, तो इसी तरह से आर्जिनाइन ब्लड फ्लो में एंड न्यूट्रिएंट्स को डिलीवरी में हेल्प करते हैं। ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को भी स्टिमुलेट करते हैं। एक हार्मोन होता है जिसका नाम है सोमाटोस्टैलिन, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोकते हैं, बट आर्जिनाइन सोमाटोस्टैलिन हार्मोन को ही रिलीज होने से रोकते हैं। तो ऐसे आर्जिनाइन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने में हेल्प करते हैं। ये हमारे बॉडी को खुद से क्रिएटिन क्रिएट करने में भी हेल्प करते हैं, और आप सभी लोग तो जानते ही हो कि क्रिएटिन एनर्जी के लिए, स्ट्रेंथ एंड मसल साइज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मिल्क, सोए, पीनट्स, चिकन एक्सेट्रा में आर्जिनाइन मौजूद होते हैं। 1 kg मिल्क में आपको 32 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे, और 32 ग्राम प्रोटीन के अंदर आपको 0.75 mg आर्जिनाइन मिल जाएगा। 1 piece एग वाइट में ऑलमोस्ट 3 ग्राम प्रोटीन एंड 3 ग्राम प्रोटीन के अंदर आपको 180 mg आर्जिनाइन मिल जाते हैं। 100 ग्राम पीनट्स के अंदर आपको 25 ग्राम प्रोटीन एंड उस 25 ग्राम प्रोटीन के अंदर आपको 3 ग्राम आर्जिनाइन मिल जाते हैं। बट स्वान न्यूट्रिशन के इस आर्जिनाइन का एक कैप्सूल में आपको 800 mg आर्जिनाइन मिल जाते हैं। ये FSSAI, GMP एंड HACCP सर्टिफाइड भी है। नो शुगर कोटिंग, जस्ट स्ट्रेट टूथ। अगर आप ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करना चाहते हो तो दिन में आपको 2 बार आर्जिनाइन यूज़ करना पड़ेगा। हेल्थ स्टडीज के अनुसार डेली 3 ग्राम से लेकर 9 ग्राम तक आर्जिनाइन रिकमेंडेड किया गया है। 2 मील्स के बीच में, ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में आप ले सकते हो, या लंच एंड डिनर के बीच में आप ले सकते हो, और चाहे तो रात को सोने से पहले भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप मसल को पंप करने के लिए, वेंस को शो करने के लिए आर्जिनाइन यूज़ करना चाहते हो, तो एक्सरसाइज से कम 20 से 25 मिनट पहले आपको 500 mg से लेकर 2 ग्राम तक आर्जिनाइन आप यूज़ कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। एडवांस लेवल के लिए 3 से 4 ग्राम आर्जिनाइन इनफ है। ध्यान रहे, आर्जिनाइन को जब आप इंटेक करोगे और भी किसी अमीनो एसिड के ब्लेंड या प्रोटीन शेक के साथ मिला के ही यूज़ करो, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट्स ये दे पाएगा। क्या आप जानते हो कि आर्जिनाइन को भी एक साइकिल में यूज़ करना चाहिए, ये बात शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। 8 से 12 हफ्ते तक आर्जिनाइन को आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, उसके बाद 8 से 12 हफ्ते के लिए आपको आर्जिनाइन छोड़ देना चाहिए। लंबे टाइम तक रेगुलर बेसिस पे आर्जिनाइन यूज़ करने से आर्जिनेस एंजाइम एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, इसलिए इसको साइकिल बेसिस पे चलाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ को आर्जिनाइन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, और जिनके एज 16 ईयर्स के नीचे है या कोई भी मेडिकल कंडीशन में है उसको आर्जिनाइन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, ठीक है। अगर आप हेल्दी हो तो आपको आर्जिनाइन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है। प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।